सिंबल रोड स्थित आईटीआई में सिख समाज के छात्रों ने आईटीआई के प्राचार्य पर सिख समाज के कृपाण व पगड़ी उतारकर आने की बात कहने के आरोप लगाए हैं तथा उनका अपमान करने की भी बात कही है। इस बात की जानकारी मिलते ही सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य बलदेव सिंह खालसा सहित सिख समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग आईटीआई में पहुँच गए तथा आईटीआई प्रिंसिपल से इस बात की माफ़ी मांगने के लिए बात कही और दोबारा ऐसे शब्द ना कहने की बात भी कही। लगभग दो घंटे चले हंगामे के बीच प्रिंसिपल ने सभी लोगों के सामने माफ़ी मांगते हुए दोबारा इस बात का ना दोहराने की बात कही। इसके बाद विवाद सुलझ गया। गौरतलब है कि आईटीआई पिछले लंबे समय से विवादों में चल रही है। इसी की महिला ब्रांच स्टाफ के आधा दर्जन से अधिक कर्मी पुलिस की रेड के दौरान शराब पीते मिले थे, जिसके बाद सरकार की ओर से उन पर कार्रवाई करते हुए सभी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया था। आज के इस नए विवाद ने एक बार फिर से आईटीआई को सुर्खियों में ला दिया है। टोहाना से आजाद टीवी न्यूज के लिए सुशील सिंगला की रिपोर्ट। अपने प्रिंसिपल साहब जो है ना, अपने कृष्ण कुमार जी, इन्होंने वो काके को कहा मतलब मुंडा है भी तुम जी कृपान पाई है ना, ये सुरक्षा की वजह नाल उतार के रखो, वो साढ़े गल आई ज्यादा। असं इन्हों खिंचया फिर मेरे को माही मंगन गए, और लड़के के घर भी गए, तो अच्छ फिर सारे इकट्ठे हो गए। इन्हें फिर सॉरी भी की सारे स्टाफ ने भी अगे तो कदम भी योजी जी आई आई टी जो अपना एक कॉलेज है टोहाने वाला, ये कदम योजी वार्ता नहीं होगी। कुछ सुरक्षा के माध्यम के द्वारा एक इनिशियल एक बेसिक गाइडलाइन दी जा रही है, उसमें बताया गया था भाई आपके पास जो भी आपके धार्मिक चिन्ह है, ये एक मेटेलिक कंडक्टर है, इससे बिजली का संचार बहुत तेज़ी से होता है, इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। उसके माध्यम से उसको गाइडलाइन दी गई थी। साथ में ये भी बताया गया था कि बच्चे ने जब इसका एतराज़ जताया तो उसको एक बताया गया था कि आप अपने पिताजी को मिलवाइएगा, परंतु बच्चा पिताजी को ना बुला के वो दूसरी दिशा में ले जाके बात को ऐसा खड़ा कर दिया गया। इसमें धर्म से रिलेटेड कोई ऐसी बात नहीं थी कि किसी को धर्म के, हम सब हिंदुस्तानी हैं, एक खून है, एक रंग है, हम बच्चों के लिए हैं, हम बच्चों के भविष्य के लिए हैं, तो इसमें बच्चे के भविष्य की नज़र सुरक्षा के देखते हुए, उसके परिवार के लालन पोषण को देखते हुए ये बेसिक गाइडलाइन हमारे को देने की हिदायतें होती हैं, ताकि बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक व मानसिक नुकसान ना पहुँच सके।